क्या आपका भी वजन बढ़ा हुआ है? और वजन बढ़ने के कारण सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो हमारे घुटनों पर होता है, घुटने में गैप की कमी हो जाती है। उस पर मैं आज नहीं जाऊंगा। आज वजन कैसे हम कम कर सकते हैं, अगर हमारे घुटने में दर्द भी है और अपना वजन भी कम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप एक ड्रिंक जो अभी मैं बताने वाला हूँ उसको पी लेते हैं, और कुछ एक्सरसाइज जो आपको बेड पर ही करना है उसे आप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने वजन कम से कम 5 केजी तक कम कर सकेंगे 20 दिनों के अंदर। और इससे लगातार आप 40 दिन या 45 दिन कर लेते हैं तो 10 से 15 केजी तक वजन कम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप ड्रिंक भी लें डेली बेसिस पर और एक्सरसाइज भी करें डेली बेसिस पर। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, और इसमें बताया गया जो भी नुस्खा है उसका उपयोग में जरूर लाइएगा। आप पहले वजन कर लीजिएगा और उसके बाद 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद एक बार फिर से वजन कीजिएगा, देखिएगा कि आपका वजन काफी तेजी से कम हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के टॉपिक में हम यही बताने वाले हैं, सबसे पहले तो बताएंगे कि ड्रिंक का हम कैसे बनाएंगे। ड्रिंक बनाने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होगी। पहला होगा एक लेमन, दूसरा होगा चिया सीड, तीसरा होगा दालचीनी और चौथा होगा हनी यानी कि मध। यह चारों को हम कैसे बनाते हैं आइए जानते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए हम एक नींबू लेंगे, नींबू को काट लेंगे पूरा, और नींबू को काट करके पूरा हम इसे अलग से निचोड़ लेंगे। निचोड़ करके इसके रस को हमको यूज करना है बाद में, अभी मैं सिर्फ निचोड़ कर रख ले रहा हूँ। और इस पिल को भी हम साथ में रखेंगे, अभी उसे फेंकेंगे नहीं। पूरा एक नींबू मैं निचोड़ कर रख लिया हूँ, और इस पिल को भी मैं इसको मैं बाद में यूज करूंगा, इसको भी मैं काट करके बिल्कुल रफ काट लेंगे। अब इस नींबू को जो रफ काटा हुआ है इसको गर्म पानी में हम थोड़ा सा खौलाएंगे। चूल्हे पर हम पानी रखेंगे, 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे, और इस पानी में अब नींबू डालेंगे जो हमने काट के रखा है। पानी गर्म हो गया है, अब इसमें हम अपना ये जो नींबू है इसको डाल देंगे, और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा टुकड़ा मैं भी इसमें डाल दे रहा हूँ। और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक खौलाएंगे, जब तक कि इसमें से ये फ्लेवर जो पिल है नींबू का, उस पिल में से जो रस है या फिर जो उसमें इंग्रेडिएंट है वह अच्छी तरह से हमारे पानी में मिक्स हो जाए। 5 मिनट खौलाने के बाद हम इसे उतार के छान लेंगे। ये 5 मिनट हो गया है, इसमें देखेंगे कि बहुत सारा इंग्रेडिएंट जो था नींबू वाला वो इसमें आ चुका है। अब हम इसे बंद करेंगे। अब बंद करके हम इसे किसी बर्तन में छान लेंगे, मैंने गिलास में छान रखा हूं। इस पानी को बिल्कुल मैंने छान लिया है। अब इस पानी का उपयोग हम ड्रिंक में करेंगे। अब हमारा ये पानी है जो आधा गिलास के आसपास है, इस पानी में हम वह चीज मिलाएंगे जो हमारा चिया सीड है। चिया सीड को मैंने रात में फूलने के लिए दिया था, और रात में फूलने के बाद 1 चम्मच, आधा चम्मच नहीं बल्कि 1 चम्मच फूलने के लिए देंगे। अब फुला करके हम इस तरह से किसी अच्छे से गिलास में रखेंगे, और उसके बाद यह मैंने जो एक नींबू का रस जो निकाला था निचोड़ा था, ये नींबू का रस कंप्लीटली मैं इसमें डाल दूंगा, थोड़ा सा मिला लेंगे। इसके बाद 1 चम्मच इसमें हनी जो शहद होता है, ये शहद का भी 1 चम्मच हम इसमें उपयोग करेंगे। ये शहद है 1 चम्मच पूरा हनी का उपयोग मैं कर रहा हूं। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें यह पानी जो है जो मैंने गर्म किया था उसको मिला लेंगे, ठीक है।
ये पूरी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस ड्रिंक को पीने के लिए सुबह शाम पियेंगे और खाली पेट में पियेंगे, यानी कि नाश्ता करने से आधा घंटा पहले पियेंगे और रात में जब खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले पियेंगे। थोड़ा सा इसमें चूंकि नींबू का पील है इसमें थोड़ा सा कड़वापन आ सकता है, जो कि आ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए हेल्दी है इसलिए हमें पीना जरूरी है। सुबह और शाम दोनों टाइम में इस ड्रिंक को पियेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए कोशिश रहे कि बेड पर रहे तो ज्यादा बेहतर है। इसे पहला एक्सरसाइज करने के लिए आप बेड पर बैठे हुए हैं तो बेड पर ही अपने शरीर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे और अपने जब सांस लेते हैं ना तो सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाएंगे और सांस लेते हुए ऊपर की ओर होके, जैसे मैं बैठा हूं तो सांस ले लिया हूं, छोड़ रहा हूं, छोड़ के इसमें किसी तरह से हमारा घुटने पर भी जोर नहीं पड़ेगा। यह कम से कम 50 टाइम करेंगे। 50 बार करने के बाद अब थोड़ा सा अपने पैर को, लेफ्ट पैर को राइट हैंड से और राइट पैर को लेफ्ट हैंड से, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर कर लिए। अब कोशिश करेंगे अपना हाथ से पैर टच करने का। इस तरह से भी हमें कम से कम 100 रिपीटेशन करना है। थोड़ा सा एक्सरसाइज में मेहनत लगता है, शुरुआत के 2-4-5 दिन लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत पड़ रहा है, लेकिन जब आप 5 दिन कर लेंगे ना तो 6ठे दिन से आपका हैबिट हो जाएगा और आप कोशिश करेंगे। इसे भी कम से कम हमें 100 रिपीटेशन करना है, 100-100 बार कर लिए। अब उसके बाद हमें तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए, हम बिल्कुल आगे देख रहे हैं, अब सिर्फ पीछे देखेंगे दोनों तरफ से। इसे भी हमको कम से कम 100 रिपीटेशन करना है। इस तरह से हम 100-100 रिपीटेशन यह तीनों एक्सरसाइज कर लेंगे। और एक एक्सरसाइज है जो हम बेड पर लेट करके हमें दोनों पैर को बारी बारी से ऊपर नीचे करना है, इस तरह से। आप देखेंगे कि आपके बेली एरिया में काफी स्ट्रेच आएगा और जो वहां पे बेली एरिया में फैट जमा हुआ है यह काफी तेजी के साथ बर्न होगा, कम होगा। इसे भी कम से कम मुझे 5 मिनट या 100 रिपीटेशन करना है। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि हम अगर 20 करते करते थक गए तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर से 20 करेंगे, 20-20 के 5 रिपीटेशन कर लेंगे तो हमारा 100 कंप्लीट हो जाएगा। यह एक्सरसाइज हमें सुबह पहर ड्रिंक लेने के बाद कर लेना है। तो मैं समझता हूँ कि आप अपने बेली एरिया को और अपने वजन को काफी तेजी के साथ कम कर सकेंगे और यह हमारे घुटने के मोबिलिटी में भी बहुत आराम देगा। दोस्तों, इस ड्रिंक को और इस एक्सरसाइज को मैंने 20 लोगों पर आजमाया है और 20 लोगों में से सभी का, किसी का 2 केजी, किसी का 4 केजी, किसी का 5 केजी तक वजन कम हुआ है 20 दिनों में। इसलिए मैं तो रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इस ड्रिंक को भी जरूर पिए और ड्रिंक के पीने के बाद आप ये इन सारी एक्सरसाइज को करें और अपना वजन आप भी कम करें। मोटापा कम करना बहुत जरूरी है और यह वर्कआउट आप कर लेते हैं तो आप 20 दिन के अंदर 5 से 6 केजी तक आप कम कर सकते हैं और 40 दिन के अंदर 10 से 12 केजी तक आप अपने वजन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।